सोनपुर की ये मंडी है और सोनपुर में हम एक ऐसी अनोखी चीज आपको दिखाने जा रहे हैं जो इस समय और किसी के पास नहीं, सवार हरे राम यादव के पास है जो बलिया जिले से है। इस मेले की, इस मंडी की सबसे ऊंची घोड़ी है जिसकी करीब करीब ये हाइट भी बताएंगे और ये घोड़ी कहाँ जाने वाली है आगे की कहानी इनसे खुद जानते हैं। हरे राम यादव जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस घोड़ी की नस्ल कौन सी है? ये नस्ल है मड़वारी मिक्स आएगी। मड़वारी मिक्स है, हाँ। क्या हाइट है इसकी? इसकी हाइट 64 है। 64 इंच है। हाँ, 64। कहाँ से खरीद लिए इतनी बड़ी घोड़ी की? मंडी में इतनी ऊंची घोड़ी ही नहीं है। अरे इधर देहात में रहे, ले लिए थे एक महीना पहले, अपने घर से मंगाए। घर से मंगाए? हाँ, घर से मंगाए। तो ये घोड़ी टहला के हम लोगों ने देखी, कितने उम्र की होगी ये? ये 4 साल की उम्र की है। 4 साल? दौड़ती भी है? दौड़ती भी है। आखिर इन घोड़ियों का असली किस काम में इनका यूज किया जाता है? नहीं, बहुत आदमी शौक के लिए पालते हैं इधर महाराष्ट्र में, और बच्चा क्रॉसिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए। ब्रीडिंग के लिए भी लोग रखते हैं और हाइट की हाइट का ज्यादा शौक है। हाँ, ज्यादा शौक है। तो यहाँ से ये सोनपुर से कहाँ जाने वाली है ये घोड़ी? ये सोनपुर से डायरेक्ट निकलेगी महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के लिए? हाँ, देखिए सारा खेड़ा मेला लगने वाला है, वहाँ सब ये जानवर जाएंगे। तो बड़े घोड़ों की खरीद करते हैं आप? हाँ, करते हैं हल्के फुल्के, थोड़ा बहुत। और कुछ है आपके पास ऐसी? हाँ, नया चीज? हाँ, बहुत है। बच्चे है, घोड़ा है, ये दो दांत, ये नाकंद है, नुकड़ा। नुकड़ा घोड़ा है? हाँ, ये नुकड़ा घोड़ा है। अगर प्योर नुकड़ा की हम बात करें तो प्योर नुकड़ा की कोई पहचान है क्या स्पेशल? ये प्योर, इसमें दागी नहीं है, कहीं दागी नहीं पाएंगे। दाग नहीं चाहिए? हाँ, प्योर है, ये गुलाबी नुकड़ा है। अच्छा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं आँख में भी सफेदी रहनी चाहिए, ये वो। ये सिस्टम है, बदन में काला धब्बा नहीं होना चाहिए, फुलकारी नुकड़ा प्योर रहेगा। हाँ, प्योर, ये गुलाबी नुकड़ा है। ये कितने उम्र का होगा? ये अभी 2 साल का है, छकड़ी है अभी। अच्छा, ये छकड़ी है? छकड़ी। तो अभी और काफी तैयार होगा ये? हाँ हाँ, ये तो सारे घोड़े आपके महाराष्ट्र जा रहे हैं? हाँ, महाराष्ट्र के लिए। ये काला अबलक में आएगा क्या है? ये दो दांत घोड़ा है, ये दो दांत है। ये दो दांत में कौन सा अबलक है? काला? हाँ, काला संजाप बोली, संजाप बोला जाएगा इसको। हाँ, संजाप है। तो ये सारे घोड़े आपके सारंगखेड़ा जाने वाले हैं? सारंगखेड़ा जाएंगे। कब से वहाँ पर मेला लग रहा है? देखिए 10 दिसंबर से वहाँ मेले की स्टार्टिंग होने वाली है। सोनपुर का मेला आते रहते हैं? हाँ, हमेशा आते रहते हैं। और जो ये कलरफुल घोड़े हैं, कोई कुमाइत है, कोई काला है, ये दो दांत की बच्ची है, तो इनका चालबाजी में भी कुछ यूज? हाँ, करते हैं? हाँ, ये चलती भी है, मतलब वहाँ भी चालबाजी? हाँ, का भी कुछ है? वहाँ भी चालबाजी का शौक है। ये कितने उम्र की होगी? ये मान के चलिए कि 3 साल की है। 3 साल की है? हाँ, 3 साल की है। तो सोनपुर में इनकी खरीदारी सोनपुर से हुई या देहात में? नहीं, सोनपुर से हुई। सोनपुर से? सोनपुर से। ये बच्ची घर से मंगाई गई है, अभी ये मात्र 8 महीने की बच्ची है। ये 8 महीने की है? 8 महीने। मड़वारी में ही है क्या? प्योर मड़वार है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका मुंह काफी पतला है, ये बाल ये जो चीज का क्लियर है। अच्छा, जो भी घोड़े आपके पास है वो बाल भौरी से क्लियर? हाँ, एकदम क्लियर है। आगे और बड़े बड़े घोड़े देख रहे हैं? हाँ, ये 62 इंच है, सिंधी घोड़ी है, 62 इंच सिंधी घोड़ी। ये ब्रीडिंग में जाएगी? हाँ, ये ब्रीडिंग में, शौक के लिए आदमी ले ही सकते हैं, चढ़ने के लिए बहुत, चढ़ के घूमना टहलना। ये 62 इंच है। और दो घोड़े बड़े बड़े घोड़ी ही है क्या? हाँ, ये भी घोड़ी है। घोड़ी काफी ज्यादा रखे हैं, घोड़ियों की डिमांड ज्यादा रहती है क्या? हाँ, इसे अपने शौक घोड़ियों की ज्यादा। क्या कौन चीज पर रखता है, कैसे क्या खरीदता है? आगे रेस फाइट करने वाले हैं? अरे ये रेस सब देखिए, अब घर पे चलते हैं तो उसकी तैयारी होगी। ये प्रतापगढ़ में देखिए 15-16 की एक दंगल है, उसी में प्रतापगढ़ में दंगल होने वाला है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।